तो बच्चों आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अब 11.2 का मैंने दो तीन क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में, पूरी एक्सरसाइज नहीं करा पाया था, लेकिन 11.3 का पूरा सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। पार्ट वाइज रहेगा वीडियो, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है इकट्ठे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराने में। चलिए 11.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस हमको दी हुई है और इन रेडियस से हमको एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। देखिए सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कॉमन चीज़ें। ये एक सर्कल हो गया हमारा, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से रेडियस होती है रेडियस। अब एक सर्कल का जब सर्कमफ्रेंस निकालना होता है, जैसे कि हम लोग अभी तक पेरीमीटर निकालते थे वैसे सेम होता है इसका, पूरे सर्कल का जो ये बाहरी पूरी नाप होती है इसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, फॉर्मूला होता है 2πr। जबकि पाई की वैल्यू हम लोगों को हमेशा बताई जाती है या तो 22/7 होती है या फिर 3.14, यही दोनों वैल्यू होती है। आपको क्वेश्चन में जरूर बताएगा कि आपको वैल्यू कौन सी यूज करनी है, अगर नहीं बताता तो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। आपका मन करे तो 3.14 कर लीजिए, मन करे तो 22/7। जैसा कि यहाँ देखिए आपको बताया गया है टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो ये एक सर्कल होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस यही चीज होता है, इसकी बाहरी माप, इसका एरिया भी होता है। तो एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस, आर या रेडियस है। चलिए इसको हटा देते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला देखिए ए वाले में रेडियस क्या दी हुई है, ए वाले क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 14। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है हमको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। 2 × π की वैल्यू 22/7 है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14। सारा डाटा रख देंगे बस सॉल्व हो जाएगा मेरा, ठीक है। 7 × 7, 7 × 2 = 14। यहाँ बचा 2 × 22 × 2। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 22। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 × 8, 4 × 8 और 4 × 8 = 8। तो 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये पहले का ए वाले का गया, ऐसे बी वाले का हम लोग निकाल लेंगे। बी वाले का 28 mm है, 28 mm, ये क्या है रेडियस, सॉरी रेडियस इक्वल टू 28 mm, 28 mm। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, 2 × 22/7 × 28। फिर देखिए 7 × 7, 7 × 4 = 28। अब ये क्या आ गया, 2 × 4 = 8 × 22, 8 × 22। तो 8 × 2 = 16, 16 × 6 कैरीवन हो गया, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 17, 17 mm, ये उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हो गया 176 mm। चलिए सी वाला देख लेते हैं, सी वाला 21 cm है, आर इक्वल टू 21 cm। देखिए फिर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, 2 × 22/7 × r इक्वल टू 21, 7 × 7, 7 × 3 = 21 और 3 × 2 = 6, 6 × 22, 6 × 2 = 12 × 2 = 1, 6 × 2 = 1 = 13, 132 cm, ये इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, सर्कमफ्रेंस
देखिए आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते थे सीधा, आपको आप लोग मैथ में कुछ लोग क्या करते हैं, बस सीधा आपको दिया 14 रखे 2πr, 2πr भी कुछ लोग नहीं रखते, सीधा यही स्टेप रख के आंसर दिखा देते हैं। यह आपका तरीका ठीक है, आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत गलत बात भी है। गलत बात इसलिए है कि आप लोग अभी स्टार्टिंग पे हो, सीख रहे हो, आपको सॉल्व करने का भी टाइम आएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको लिखें, अपने माइंड में ही सॉल्व करके आपको आंसर दिखाना रहेगा। लेकिन अभी आपके पास पास टाइम है, अभी सीखने का टाइम है आपका, तो आप लोग बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट देकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जिससे टीचर को लगे कि हाँ बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा अच्छे से अपना दिखा रहा है जो उसे समझ आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट, दूसरे में अभी तक पहले में क्या था, सर्कमफ्रेंस निकालना सर्कल का, अब दूसरे में एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको आर क्या है, रेडियस है, आर इक्वल टू रेडियस, देख लीजिए। तो पहले वाले में क्या करेंगे, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 14 mm, आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, ये फॉर्मूला कोई कहीं से लाया नहीं गया, ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, कहीं से हमने कुछ इधर उधर से नहीं लिखा, नहीं तो आप सोचिए क्या है ये। देखिए अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर मतलब आर का दो बार मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको 5 × 5 भी लिख सकते हैं, आर है आर का स्क्वायर को हम r × r भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग सोचो कि ये r दो बार कहाँ से आएंगे, तो r × r क्या होगा, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 × 14, देखिए 7 × 7 = 14, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए 22 × 2 × 14, देखिए 22 × 2, यहाँ 22 था, यहाँ पे 2 बचा क्योंकि 7 × 7 = 14 कर दिया हमने, × 14। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 44 × 14 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 × 4 = 56, 56 के 6 कैरी आया 5 और 14 × 4 = 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, और ये mm है तो mm स्क्वायर, यही हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो गया ये पहले का। चलिए बी वाले का देखिए आप लोग, बी वाला क्या बोल रहा है, बी में डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर इक्वल टू 49 mm। आप लोग को पता है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 रेडियस। देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहाँ सेंटर होता है, सेंटर पर से ये रेडियस होता है और ये रेडियस होता है, और पूरे को डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर इतना होता है और इतने में 2 रेडियस होता है, एक रेडियस ये एक ये, तो डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस होता है, 2r। यहाँ पर डायमीटर दिया है तो यानी कि आपको 2 रेडियस दिया है, ये 2 रेडियस की वैल्यू है, तो अगर आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी होती है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में होता है तो d/2 = r हो जाता है, मतलब कि r की वैल्यू क्या होती है, d/2। यहाँ रेडियस अगर हम लोग निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे तो 49/2 हो जाएगी हमारी वैल्यू, क्या हो जाएगी, 49/2। चलिए एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर वही चीज, पाई मतलब 22/7, 22/7, 22/7, आर की वैल्यू 49/2, फिर × 49/2। देखिए 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 2, यहाँ पर बचा क्या, 11 ऊपर बचा, 11 × यहाँ पे 7 बचा है, 7 × 49,
अपॉन में टू बचा है, क्या बचा है अपॉन में टू बचा है। देखिए 11 7 77 इंटू 49 अपॉन टू, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो आएगा 3773। आप लोग करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, लॉन्ग कैलकुलेशन है इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए नहीं करा रहा हूँ। अपॉन में टू जब सॉल्व कराएंगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये एरिया हो गई, ये एरिया क्या हो गई, एरिया ऑफ सर्कल। ये आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, ऊपर कर देते हैं इसको 3773 अपॉन टू, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा अपॉन में टू। अब टू यहाँ पे बचा है, टू से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 1886, देखिए क्यों टू वन जा टू, यहाँ पे 17 हुआ, टू एट जा सिक्सटीन वन बचा 17 हुआ, टू एट जा सिक्सटीन फिर वन बचा 13 हुआ, टू सिक्स जा 12 वन बचा है तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया, टू फाइव जा 10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया एरिया, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए आप लोग को हो सकता है इसमें थोड़ा सा डाउट लगाओ क्योंकि इसमें डायमीटर दिया हुआ है, अभी तक हम लोग को रेडियस दिया हुआ था, इसमें बी वाले क्वेश्चन में डायमीटर में 49 मीटर दिया हुआ है। जब हम लोग अभी बताया कि ये सर्कल होता है, सर्कल होता है, सर्कल में डायमीटर जो होता है, डायमीटर सेंटर से होकर जाता है, डायमीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है और रेडियस केवल सेंटर से एक तरफ का होता है, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, तो डायमीटर ये पूरा था, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा था, तो डायमीटर के इक्वल में एक रेडियस ये और दूसरा रेडियस ये, मतलब आर प्लस आर हो गया, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया आर प्लस आर टू आर। अब टू जब मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डी बाई टू हो जाएगा आर इक्वल टू। यही बात आप लोग को नहीं समझ आ रही होगी कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है आपको इसको रेडियस बनाना है तो रेडियस में जब निकालेंगे तो डायमीटर का आधा कर देंगे, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। रेडियस हम लोग 49 बाई 2 किए तो एरिया ऑफ सर्कल में जब आर की वैल्यू रखनी थी तो आर की वैल्यू रेडियस निकाल कर तब हम लोग लिख रहे हैं। हम लोगों का ये पूरा आंसर आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा इस वाले सर्कल का। चलिए आप इसको आप लोग नोट करिए, फिर क्वेश्चन सी वाला करवाते हैं। चलिए सी वाला बचा है, सी वाला देखिए आप लोग, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ रेडियस दिया हुआ है तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू फिर वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 5 फाइव फाइव जा 25 हो गया, 22 इंटू 25 अपॉन 7, देखिए 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 टू जा 50, 50 के जीरो कैरी आया 5, 25 टू जा 50 होता है तो 5 कैरी में आ गया हमारा और ये जीरो, फिर 25 टू जा 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 550 अपॉन 7 मीटर, वो सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया हो गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। आप लोग अगर इसको चाहेंगे तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं और आप लोगों को फ्रैक्शन में निकालना हो तो यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया आप लोगों का, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर, देखिए एक सर्कुलर सीट हमारे पास गोलाकार सीट है, उसका सर्कमफ्रेंस हिंदी में बोलते हैं परिधि, परिधि उसका यानी कि सर्कमफ्रेंस 154 मीटर दिया हुआ है, उसका रेडियस हमको निकालना है, रेडियस निकालने के बाद जस्ट उसका एरिया भी निकालना है। देखिए अब हम लोग करते हैं, पहले सर्कमफ्रेंस लिख देंगे जो गिवन है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज इक्वल टू 154 मीटर। देखिए ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो है 154 मीटर है, जबकि हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब 2 पाई आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 154 मीटर,
देखिए हमको इसको इसमें r की वैल्यू निकालनी है जबकि पाई की वैल्यू पता है, तो 2 × 22/7 × r = 154 यानी कि 154। देखिए अब हम इधर ये 2 और 22 मल्टीप्लाई में है, जस्ट उसके मतलब इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये लोग डिवाइड में चले जाएंगे, ये यहाँ बचेगा r = 154/2 × 22 तो 2 × 22 डिवाइड में आ जाएगा, 7 डिवाइड में था तो 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो r इक्वल टू देखिए अब क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो 2 × 2 यहाँ पे 2 × 7 = 14 बचा 114 हुआ, फिर 2 × 7 = 14 77 × 7/22। फिर देखिए r इक्वल टू ये 22 और 77 ये दोनों 11 से कट रहा है तो 11 × 2 = 22 11 × 7 = 77 यहाँ पे ऊपर बचा 7 × 7/2 तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया 77 × 49/2 ये हमारा रेडियस आ गया, उस सर्कल का रेडियस आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया तो एरिया ऑफ निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर शीट या सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। आप देखिए हमारे पास फिर वही तो 22/7 × r की वैल्यू 49/2 × 49/2 देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 × 7 × 7 7 × 7 = 49 यहाँ पे 49 आ गया, यहाँ 2 × 2 और 2 × 2 2 × 2 इस पर 11 लिख लेंगे, इस पे 11 आ गया, यहाँ पे 49 था सॉरी कट के 7 बचा है × 49/2 बचा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 11 × 7 = 77 × 49/2। चलिए देखिए 77 × 49/2 77 × 49 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 37। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था 33773/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 17 2 × 8 = 16 फिर 1 बचा यहाँ पर 17 हुआ 2 × 8 = 16 फिर 1 बचा 13 हुआ 2 × 6 = 12 1 बचा पॉइंट लगाएंगे वो 110 हो जाएगा 2 × 5 = 10 मीन्स 1886.5 यहाँ पे सेंटीमीटर में है नहीं सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1886.5 मीटर स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन आपके अगले पार्ट में वीडियो में डालेंगे, अभी आज वीडियो लंबी हो चुकी है आधे घंटे की लगभग हो चुकी है वीडियो, इसलिए अब अगला जो पार्ट बनेगा उसमें आगे की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे। जो इधर नीचे नहीं शो हुआ था बेटा वो अभी देख लीजिए आप लोगों को शो हो रहा है, एरिया यही होगा सर्कल का। चलिए नोट कर लीजिए